अज असी मौजूद हाँ नाभा के बौड़ा गेट विखे जिथे कि किसान अपने हकों नूं लै के सड़कों के उपर उतरिया पाया जिस तरह की मोदी सरकार के नाल मीटिंगा भी हुई पर बेसिटा रही इस करके मोदी सरकार के पुतले फूके जा रहे तुसी देख सकते हो तस्वीरों नाभा विखे तुसी देख सकते हो कि नाभा विच जो तस्वीर तुसी देख सकते हो कि मोदी सरकार का पुतला फूकया जा रहा है मोदी सरकार का पुतला फूकया जा रहा है किसानों वालों मोदी सरकार का पुतला फेंकया जा रहा है विजन पंजाब से तुसी तस्वीर देख सकते हो असी किसानों नाल गलबात भी करते हैं असी किसानों नाल गलबात भी करते हैं हाँ जी प्रधान जी हाँ जी प्रधान जी कहना चाहो जी अभी मोदी सरकार पुतला फूकया जी पुतला फूकया जी दस ग्यारह दिन हो गए जेड़े किसान बैडा दे पैण वाले मखबल के गद्दियां दे पैण वाले ये मोदी ने कंजर के पुत ने ना उत्थे पत्थरां ते बिठाए बैठे ने उत्थे पत्थरां ते लेट रहे ने ठंडिया ठंडे पानी दियां बसाला मारियां ने मोदी सरकार ने खट्टर सरकार ने इन्होंने कंजर के पुतां ने जिहड़ा अन्नदाता दी ना ये रोल के रखता अज ये कहना जी जय जवान जय किसान अही जी गुंडी सरकार ना आई है ना आनी आदो उत्ते गुंडी सरकार नहीं आती इन्होंने ना कारपोरेट घराने की गल सुनी है साड़ी अन्नदाते की कोई गल नहीं सुनी उत्थे इहदी कुड़ी नूं ब्याहुण गए ने उत्थे किसान बरात होर जा रही है वो तो वह असी इहदा खड़ा नहीं छड़दे जिन्ना चिर किसान काले कानून वापस नहीं करता हैगा इहनूं नींद हराम करके छड्डांगे इहनां दी पिंडां च बन नहीं दिंदे इन्हों का लहू पी के सड़ा गया भी जिम्मे इन्होंने किसान का लहू पीता कंज्यूमर कटता किसान का इन्होंने सारिया मीटिंगा जो बेसिटा रही ने सारिया मीटिंगा बेसिटा रही ने तुम हम की कहना चाहते अज भी मोदी सरकार ना मीटिंग सी मीटिंग अज भी हुई है साड़ी वो मीटिंग दे विचों कोई सिटा नहीं निकलता ये सानों किसानों कही जाते थोड़ा समझाने अब थोड़ा गल दस दें जेड़े किसान मतलब सारी जिंदगी हटाती कम करद ने फसलों के उन्होंने ये समझा लगे पे कंजर के पुत जे एसिया च बहते ने वो सानू दस रहे हैं भी तुम ये थोड़े वास्ते फायदेमंद ने उत्थे जे फायदेमंद ने इन्होंने 300 रुपये कणक खरीद आ मक्की खरीदी आ नरमे का की हाल आ है आ जीरी इतने लिया लिया बेच रहे हैं 1000 रुपये तो लिया के 1800 1900 बेचते हैं जीरी उत्थे क्यों नहीं बेचते उत्थे फिर बाहर नहीं सानू कहने बाहर बेचो वो बाहर बेच लेने इतने कहू लेके आने पंजाब ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 50% ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਰੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ पहला तो मैं सारे थोड़े चैनल के थ्रू ये दसना चाहना भी जो ये संघर्ष है अज पंजाब के बच्चे बच्चे का संघर्ष बन चुका दिल्ली के भी कई दिन ला के आए हैं दिल्ली के एक तरह जिमें कोई शहीदी जोड़ मेला चलता हों इस तरह का उत्थे इकट्ठ है जिमें सरहद जोड़ मेला इकट्ठ हों और इस तरह भी उत्थे लंगर लगे हुए हैं और पंजाब अज कल यूनियन के नुमाइंदे नहीं सारे आम लोग क्योंकि यूनियन के जो नुमाइंदे ने वो सारे अज दिल्ली गए हुए ने जो यूनियन के वर्कर ने जो यूनियन के वर्कर ने वो भी सारे तकरीबन दिल्ली पहुँचे हुए हैं अज जो धरने के सारे तुम जनता देख रहे हो ये सारे आम लोग एक तरह जागरूक होकर इतने आ रहे हैं और नंबर दो ते जो ये संघर्ष का सिट्टा जो सानू दिख रहा है भी वह पॉजिटिव निकल रहा है पॉजिटिव इस तरह निकल रहा है भी जिहड़ी मोदी सरकार पहला इन्हां कानूनों सिर्फ सलाघा इन्हें कानूनों की सलाघा कर रही थी और इन्हां कानूनों से गलबात करने भी तैयार नहीं सी वो मोदी सरकार के नुमाइंदे अज किसान साडे आगुआं कह रहे हैं भी तुसी इस ते गल करो गल भी इस तरह करो प्रधान जी की कहना चाहते मोदी का पुतला फूकया ये मोदी का पुतला फूकया जी ये लोगों के जेडे तीन कानून आर्डिनेंस पास किए ने ये कुल पब्लिक के वास्ते माड़े ने किसानों वास्ते दुकानदारों वास्ते मजदूर वास्ते फैक्ट्रिया वास्ते बिल्कुल देश में बेच रहा है अपना देश सारा इन्हें बिल्कुल जेडे स्टेशन बेचते दिल्ली का स्टेशन बेचता इन्हें अच्छा जेडे हस्पताल से वह बेचते ने बाकी जेडिया जिमीदारा दे जमीन ने वह हड़प्पण कहता है जेडे दुकानदारा ने बड़े बड़े माहौल लिया कहता है
भी बेरोजगार कर रहा है। यह जहाँ राज ना तो आना ना आया जो हम धरना चल रहा है 26 तरीक तो बद उत्थे लोग बैठे ने बद तो बद जा रहे हैं और आ रहे हैं थोड़े बहुते, पर असी जिहड़े कानून ने वापस कराए बिना मुड़ते नहीं है। 6-6 महीने का राशन उत्थे लैके गया होया असी, चुनाव चल रही ने, खुले चल रहे हैं, बिल्कुल असी हटना नहीं। जे ना मनिया फिर असी होर भी स्टैप चकांगे, असी हटते चले नहीं है जी। मैं महेंद्र सिंह ब्लाक प्रधान टकाउंदा बोलदा, सारे साढ़े जथे ने यह टकाउंदा वालों फूकया गया है। इन्निया बेनतियां करता हो वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। सारा का सहयोग मिल रहा, दिन पर दिन लीड बढ़िया जा रही है, घटती नहीं हैगी, क्योंकि कल्ले किसान ने उत्थे सारी ये लोग पखंडबाजी करते हैं, ये किसान नहीं, ये किसान नहीं, क्योंकि सारी उत्थे किसान ने गे। मैं तो यही गल कहना कि किसान मजदूर सारे खेतीबाड़ी नाल जो संबंधित ने वह सारी उत्थे पहुँचे ने, तो पहुँचणगे भी। कल्ला कल्ला किसान हाले होर भी पहुँच रहा, होर जा भी रहे ने, जिहड़े बंदे घरां दे विच कमर कस रहे ने कई, वह भी जाण दीआं तैयारियां कर रहे ने। मैं यही गल कहना मोदी नूं, मोदी आ तू बन जा बंदा, नहीं बंदा बनाउणा आउंदा तैनू, बंदा तैनू बना के छड्डणगे, ये गुरु दे सिख ने गे। मैं तो यही कहना चाहना जेड़ा मोदी है वो जदों का भी आया उन्हें चंगा काम तो करी नहीं कोई, पहला नोटबंदी करी, फिर होर आ जेड़ा हुण इन्हें पुट्ठा पंगा ले लिया बहुत ज्यादा। ये विच हुण गुरु की फौज है, अकाल पुरख की फौज, हुण अकाल पुरख की फौज दिल्ली दे विच बह गई, ये मोर्चा फतेह ही करके आऊगी, मोर्चा फतेह ही होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा थीगा भी जवे बाण लागे हो तबो रुस जागे हो, क्योंकि इन्होंने जेडे साडे किसान गए ने पहले ने रेत्या के ढेर लाए, फिर उन्हें बैरीगेटर लाए, फिर उन्होंने टोए पट्टे, क्योंकि गुरु ने कहा भी जो जकारा बज जे, जो जकारा गुरु का सिख ला देना, फिर वो मोर्चा फतेह हो ही जाना। तो हुण तुसीं देख लो भी जेडे हुण साडे गुरु के सिख ने, तो सारी पार्टियां रल गई, आले दुआले के होर देश भी उत्थे आ गए दिल्ली के विच। मोदी नूं हुण दिन रात नींद नहीं आ रही, मोदी हुण यही कह रहा भी मैं पुट्ठा पंगा ले लिया जट्टीए बोग दे सिंगां नूं हाथ ला के। हुण मैं एक बेनती करदा मोदी नूं भी मोदी तू जिथे मर्जी भज ला, जिथे मर्जी लुक ला, तैनूं यह जेड़े ते पास करने कानून ये तैनू रद्द करनी पैणगे, करा के हटांगे। गुरु दे सिखां ते कुछ भी मर्जी हो जाए, गुरु ने आख्या दिया कहना जबो रोस जबो बाण लागे तबो रोस जागे। गुरु महाराज के गुरसिख हुण दिल्ली दे विच जुट गए ने, क्योंकि वह सिख ने जिन्होंने इंदिरा गांधी नूं नहीं बख्शिया, मोदी आ तू चीज की आ, तो पुट्ठा पंगा ले लिया सिखां दे नाल, हुण सिख वापस करा के ही दम लैन गए। तो बाकी मैं बेनती करदा हथ बन के वीर जो टैलीविजन रोज देखी जाते हैं कि वह पता नहीं की करे, वीर हम तुम भी चलो, कोई मोटरसाइकिल दे, कोई गड्डिया दे, कोई कारा दे, कोई तुरके चलो, जिदे लगे सब्जी है सब्जी लै जाओ, उत्थे बड़ा बेअंत बड़ी चीज की लोड़ है। सारे ने मैं हथ बन के बेनती करदा कि सारे ही जाओ। तो हूँ अपने यह जो मिशन गुरु महाराज की कृपा के नाल आरंभ किया, इनू पूरा ही करके मुड़ांगे। मैं यही कह रहा भी मोदी आ जब अपने आप मन जा, नहीं फिर सानू मनाउणा आउंदा, मना लैनी है असी, भज ला तू जिथे तकर भजना, हुण तेरे मगर गुरु महाराज के सिख पै गए, ये नहीं हुण तैनू छड्डदे, ये हुण तैनू करनी पऊगा, ये तैनू जो तैं पास करिया ये तैनू रद्द करनी पैणगे। बोले सोनिहाल। खट्टर सरकार ने कहा है भी कल्ले पंजाब के किसान इत्थे आए ने, हरियाणा के नहीं आए, तुम किवें देख रहे हो, तुम साथ मिले? देखो जी उत्थे हरियाणा के किसान भी आ गए ने, हिमाचल के किसान भी आ गए ने, तो सारे यूपी के किसान भी आ गए ने, कर्नाटका के आ गए ने, बिहार के आ गए ने, खुद दिल्ली के भी जोड़े किसान ने, जोड़े किसान भाइयों नाल प्रेम करते हैं वो भी साढ़े नाल जुट गए ने, क्योंकि गुरुद्वारों के दिल्ली के इन्ने इन्ने प्रसादे लंगर तैयार करके आ रहे हैं। जे उन्होंने मन च जो किसान ने ता ही आ रहे हैं, जो किसान ने ता ही आ रहे हैं, गे नहीं वो नुमाइंदे खेती मंत्री तो होर नुमाइंदे ये कह रहे हैं
भी तुसी इस कानून ते गल करो और सानू कलॉज बाय कलॉज दसो भी तुसी थोनू कित्थे खामी लगती है। इस तो यह सिद्ध होंगे कि मोदी सरकार हुण नरमाई दे रौं च है, वह झुकण दे रौं च है। मैं किसानां नू थोड़े चैनल के थ्रू यही बेनती करूँगा सारे वीरां नू कि हुण लोहा गर्म है, जो लोहा गर्म होंगे तो एक टिकाने ही सट नाल टिकाने सिर आ जाता है। सो हुण किसान वीर पिछे हटन दे राउंड दे विच नहीं हैगे। होर भी मैं दसना चाहना कि जो पंजाब दे किसान वीर ने, जो दिल्ली दे विच साडे किसान वीर बैठे ने, उन्हां दी हर तरह नाल सहयोग कर रहे ने। इत्थों बंदे उन्हां नूं ट्रेसन करन लई जा भी रहे ने, उत्थों बंदे आ भी रहे ने और उन्हां नूं बदल के बंदे इत्थों फिर होर जा रहे ने और इत्थों बड़ी पद्धर ते लंगर भी जा रहा है। और असीं 100% सानूं आस है कि असीं तिने काले कानून आर्डीनेंस असीं इह वापस करावांगे ते अते वापस कराए बिना असीं संघर्ष नूं छड्डांगे नहीं। जे 2024 ला लो मोदी सरकार दीआं चोणां हुंदीआं ने, तुहाडा मतलब कि हुण आउंदे सीटां ते 117 सीटां ते खड़े होण नूं कहिंदे ने, तुहाडा किद्दां पिंडां नाल किवें दा होएगा? कल्ले इस दे विच मैं स्पष्ट करना चाहुंदा भी जिहड़ी बीजेपी है इहनूं ना शहरी वर्ग चाहुंदा पंजाब दे विच, पेंडू वर्ग ने तैनूं चाहुणा की है। अगर बीजेपी इत्थे 117 सीटां ते पंगा लवेगी तां 117 सीटां ते ही उन्हें उसके उम्मीदवार दमानत जब्त होनगियां। यह सब तो लिख के ले लो अच्छा।